नमस्कार मित्रों, आधी आबादी और हमारे चित्र, इसी विषय को लेकर के अभी हमने जहांगीर आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी आयोजित की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यह वक्त विभिन्न प्रकार के संक्रमण का वक्त है और इस वक्त में किसी भी तरह का आयोजन करना बहुत ही उचित न होते हुए भी मूलतः जहांगीर में वक्त मिलने का और वहाँ प्रदर्शनी करने का जो लोभ था उसका संभरण नहीं कर पाया, यानी उसको टाल नहीं पाया करके और वहाँ जा करके अपने चित्रों को लगा करके एक जो संतोष प्राप्त हुआ वह अद्भुत किस्म का रहा है। तो मुझे लगा कि आपसे उस पर चर्चा की जानी चाहिए, तो मैं इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारे चित्र या जो चित्रों की हमारी प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित हुई, उसका जो मूल पक्ष है, मूल तत्व है, वह एक अद्भुत तरीके का, एक बहुत ही अलग तरीके से उसको हमने वहाँ पर देखा और ये कोशिश किया कि वो जो हमारी प्रदर्शनी है, वो जो हमारे चित्र हैं आधी आबादी वाले, वो अपने संदेश लोगों तक पहुँचाए। तो इस संदेश को पहुँचाने के मोह में मैं सड़क के रास्ते से मुंबई गया और मुंबई जा कर के एक जो वहाँ पर ठहरने का इंतजाम था वह बहुत ही अच्छा था और हम वहाँ रहे। फिर हमने 31 की शाम को, चूँकि हमारा काम आ गया था और उसको मंगा करके 31 की शाम को डिस्प्ले के लिए गैलरी में लगा दिया और वो उसको वहाँ के कर्मचारियों ने या जो लोग लगाते हैं उन लोगों के माध्यम से वह हमारी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और चित्रों को लगाया गया। एक जो खास बात हुई और जो हमारी योजना थी उसके हिसाब से चित्रों की संख्या अधिक हो गई थी, तो फिर वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया कि आधी आबादी के ही चित्रों को यहाँ लटकाया जाए या लगाया जाए, तो इस पर हम लोगों ने विशेष रूप से यह ध्यान रखा और उन्हीं चित्रों को लगाया जो आधी आबादी को डिपिक्ट कर रहे थे। अब ये दूसरा दिन था और मतलब आज हमारे बम्बई पहुँचने का दूसरा दिन था और आज से एग्जीबिशन का 1 फरवरी से एग्जीबिशन आरम्भ होने का वक्त था। चूँकि लंबे समय से यह हाचपाच चल रहा था कि इसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जाए और किसको गैलरी में प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए बुलाया जाए, तो ये तय नहीं हो पाया और नहीं हो पा रहा था। बात हो रही थी, कई मैं चाह रहा था कि जावेद अख्तर साहब को लाया जाए, लेकिन जिस स्रोत से मैं जावेद अख्तर साहब को लाना चाहता था वहाँ से जवाब मिला कि जावेद साहब इधर निकल नहीं रहे हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में जा नहीं रहे हैं। इसी तरह से एक आध और साहित्य के क्षेत्र के व्यक्ति के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, तो वहाँ भी यही समस्या थी। फिर बात आई गई हो गई और ये हुआ कि जो छगन भुजबल साहब हैं उनको और नितिन राउत को चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए बुलाया जाए, और एक दो हम लोगों के मित्रों के मित्र जो विधायक हैं उन लोगों से भी अपेक्षा थी कि वो भी चित्र प्रदर्शनी में आएंगे। तो पहले दिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री छगन भुजबल साहब ने हमारे चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वह आपको मैं चित्र दिखाऊंगा, उनके 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 चित्र से आपको रूबरू कराऊंगा। तो ये जो सारा
अभियान था, आयोजन था, उसमें फिर नितिन राउत भी आ गए और उन्होंने भी चित्र प्रदर्शनी में उद्घाटन में सहयोग किया और तमाम आबिद सुरती साहब भी आ गए और बहुत सारे जो हमारे शुभचिंतक थे, जिसमें खास करके आजकल जो अमेरिका से आकर के रुके हुए हैं श्री सीताराम यादव साहब, जो स्टेट बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक रहे हैं, अजय जी जो लगातार जुड़े हुए थे और निरंतर इस पर नज़र रखे हुए थे कि प्रदर्शनी को कैसे एक अच्छा आयाम दिया जाए, वो और उनके साथ राम उजागिर जी, भोला सेठ जी और बहुत और ऐसे साथी जो सुनील सरदार साहब के मित्र थे और वहाँ के बड़े साहित्यकार थे, इन लोगों के लिए हम लोगों ने बात की थी। हमारे दो जो विद्वान साथी उस महानगर में रहते हैं, जिनमें पंडित परमानंद यादव जी जो संगीत के महारथी हैं और दूसरे भाई रमेश जी जो बैंक में अधिकारी हैं लेकिन उनका साहित्य में बहुत रुझान है, वो लोग भी समय से आ गए। और मैं चूँकि इस प्रदर्शनी में हमारे साथ हमारे दोनों बेटे गए थे और वो सब जिम्मेदारी देख रहे थे, तो मैं लगभग इस बात से मुक्त था कि कोई हम पर बहुत दबाव, सुरक्षा का सवाल था। इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग बहुत ही अलग तरह से इस प्रदर्शनी में अपने को मतलब समायोजित करते हुए उसमें लगे रहते हुए भी इस बात का ध्यान रखे कि मास्क लगा हुआ हो, दूरी बनी रहे। तो इस कार्यक्रम के उद्घाटन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। फिर आया दूसरा दिन, हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गए थे वो सुनील सरदार साहब थे और सुनील सरदार के और बहुत सारे साथी जो मुंबई महानगर में होते हैं वो सब उनके आमंत्रण पर और हमारे बुलावे पर आए। शंकर भाई जो आधुनिक कला गैलरी के वहाँ पर क्यूरेटर हैं, आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई में, वो पूरा समय दिए। साथ ही भाई पूरा राम जी और भी साथी जो वहाँ पर मौजूद थे वो सब उपस्थित हुए और अच्छी तरह से प्रदर्शनी के आयोजन में सहयोग किया। यह पूरा कार्यक्रम एक तरह से बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ और हम लोग फिर शाम को एक जश्न के रूप में बम्बई प्रेस क्लब में गए और अपना वहाँ पर आयोजन तो ये बात हम लोग प्रेस क्लब से ही फिर भाई राम जी ने गांव के लोग के लिए एक साक्षात्कार किया। इस तरह से पूरा 6 दिन हमारा बहुत अच्छे लोगों के साथ निकला और उन अच्छे लोगों में जो खास बात हुई वो ये थी कि प्रदर्शनी देखने वालों का निरंतर जो आवाजाही थी वो बनी रही और ऐसे ऐसे स्थिति में इस प्रदर्शनी का जो मुख्य विषय था उसको लेकर के लोगों में एक अच्छी चहल और एक अच्छी समझ पैदा हुई। सबसे जो दुखद काम हुआ वो ये हुआ कि उसी बीच जो स्वर साम्राज्ञी हैं हमारी लता मंगेशकर जी, उनका निधन हो गया। हमारी प्रदर्शनी का अंतिम दिन था 7 फरवरी 2022 और 6 फरवरी 2022 को जब हम लोग रात्रि भोज कर रहे थे उसी समय एक गैलरी के कर्मचारी का फोन आया कि हमें कहा गया है कि वो बताए कि कल गैलरी बंद रहेगी क्योंकि सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी। यह
किसी भी प्रदर्शनी के लिए सबसे खतरनाक बात होती है कि अंतिम दिन उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अधिकांश जो कला प्रेमी होते हैं अंतिम दिन आते हैं और जो तस्वीरों को समझ बूझ करके वो गए होते हैं, वो अगर मौजूद होती है तो उसको वो बातचीत करके ले जाते हैं। तो इस बार इस प्रदर्शनी में ये संकट बहुत ही, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो लास्ट डे था वह एक बहुत जो एक प्रदर्शनी का जो सबसे क्रीम वाला दिन होता है उसका जो 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 संक्रमण हुआ वो तो हुआ, अब उसको क्या कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार का फैसला, गैलरी के प्रबंध तंत्र का फैसला, ये सब चीज़ें आपस में मिल मिला करके एक ऐसा संसर्ग बना कि वो अंतिम दिन हम लोग अपनी प्रदर्शनी को बंद कर दिए और शाम को फिर 7 तारीख की शाम को सारे चित्रों को समेट करके पैक करके उन्हें वापस भेजने का यत्न किया गया और वह सारे चित्र 7 तारीख की रात्रि में करीब 11-12 बजे तक कोरियर वाले को दे दिया गया। फिर चूंकि हम बाई रोड गए थे तो बाई रोड आना था, इस बार का मार्ग हम लोगों ने चुना था इंदौर से होते हुए, तो हम सुबह 4 बजे निकले थे और चूंकि हमारे साथ जो ड्राइवर गए थे हेमंत और दोनों बच्चे और हम सब लोग साझी चलाते रहे और लगातार चलते हुए गाड़ी को थोड़ा बहुत बीच में विश्राम देते हुए 9 तारीख की प्रातः पुनः गाजियाबाद वापस आ गए और आकर के हमें लगा कि हम आपसे इस सिलसिले में बातचीत करें और आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये जो प्रदर्शनी थी वो कैसे गुजरी और क्या क्या इसमें हुआ। तो ये हम बताने के लिए आपको ये वीडियो तैयार किए हैं और निश्चित तौर पर हमारा जो पूरा आयोजन था वो बहुत ही संतोषप्रद रहा और सब लोग सुरक्षित स्वस्थ वापस वहाँ से पुनः अच्छी चित्र प्रदर्शनी करके गाजियाबाद आ गए हैं। धन्यवाद।